इस बांसुरी को देख रहे हैं आप? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूट कर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे, अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। ये निर्णय आपका है। पिता होना बड़े आनंद का विषय है, और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए, उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी, और इसका केवल एक ही कारण, और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए, मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपने संतान को नहीं दे सकते। युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने, और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है, और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों, सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है, और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं, तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए। इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है
कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो, और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे, हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाए, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है, बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए, आपकी आधी समस्याएं तो वही समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए, हम सब जीव हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीते समय उसके पश्चात की कल्पना भी करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा, नर्क, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा या यमदूत हमें दंड दे रहे होंगे। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए? नहीं, हमें स्वर्ग और नर्क हमारी ही मृत्यु के पश्चात मिलेगा। अर्थात यदि फल पाना है तो कर्म स्वयं को ही करना होता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता, उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना होता है। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मार्ग है स्वयं को संतुष्ट करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का। इस अग्नि को देख रहे हैं, क्या क्या कर सकती है ये अग्नि? प्रकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है, और चाहे तो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। ये जल हमारी प्यास बुझा सकता है या हमें डुबोकर मार भी सकता है।
तो क्या ये इच्छा इस जल की है कि ये हमारी प्यास बुझाएगा या हमें डुबा कर मार देगा? क्या ये इच्छा इस अग्नि की है जो हमें प्रकाश देगी, जो हमें भोजन देगी, या हमें जलाकर भस्म कर देगी? नहीं, जल का गुण है बहना, अग्नि का गुण है जलना। अब यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी जल और अग्नि की भांति ही संसार की हर वस्तु, संसार के लोग भी होते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किन्हें शत्रु। शक्ति है, पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदायित्व बनाते हैं या अहंकार धन है। परंतु निर्भर हम पर करता है कि उसे विकास के मार्ग पर लगाते हैं या व्यसन के मार्ग पर। ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशापित। अपने परिणामों का उत्तरदायी हमारे चयन होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि अपने चयन को, अपनी भावनाओं